नहीं, क्योंकि अंदर जाने में मना कर रहा है सब लोग ना। अच्छा, बाहर से कोई आ रहा है तो वो नहीं जा सकता। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिष्णुपुर मणिपुर। अभी हम बिष्णुपुर में हैं और सुबह उठा था। सुबह उठ के मौसम तो थोड़ा सा खुल चुका था, सनराइज भी देखने को मिला था थोड़ा सा, लेकिन अभी मॉर्निंग का 9 बज चुका है। वीडियो वगैरह एडिटिंग का जो काम था वो सब ख़त्म हो चुका है। अभी वेदर देख सकते हो आप लोग, पूरा बादल, मतलब ठंडा ठंडा वेदर हो गया है। आज का प्लान है, आज हम जाने वाले हैं लोकटाक लेक, मणिपुर का सबसे फेमस मतलब प्लेस बोल सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। लेक के अंदर ही स्कूल मतलब गांव उसका अंदर ही है, और शायद बोट लेके मतलब आना जाना करते हैं। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। ठंडा लग रहा है सच में। अभी मैं ये जो जैकेट है ना को निकाल के रखा हूँ, क्योंकि जब स्कूटी चलाऊंगा तब तो ज़्यादा ठंडा लगेगा, तो उसको वजह से पहले से ये निकाल के रख दिया। अभी धीरे धीरे टेंट वगैरह क्लोज करता हूँ और लोकटाक देखने के बाद हम लोग निकल जाएंगे इम्फाल। और ऐसा कुछ था, ये जगह काफ़ी बढ़िया, देख सकते हो ये तो अभी बन पड़ा हुआ है। वहाँ पे एक होटल है रेस्टोरेंट टाइप का, कल दिखाया था, उनसे परमिशन लेके यहाँ पे स्टे किया। और सामने का भी काफ़ी खूबसूरत, बहुत अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो आप लोग। ये पूरा धान का खेती किया हुआ है, देख सकते हो। पूरा धुंधला धुंधला होकर रखा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है। उस तरफ है लोकटाक, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर होगा, 20-22 किलोमीटर। और इस तरफ पे भी देख सकते हो कुछ लगा के रखा है खेती, शायद बीन्स लेसेरा ये सब होगा। तो चलिए अभी धीरे धीरे टेंट उन क्लोज करते हैं। तो गाइस फाइनली टेंट क्लोज कर चुका हूँ, और ऐसा लग रहा है कई दूर जगह में भाई बारिश हो रहा है, देख सकते हो ना वेदर पूरा चिल हो गया है। सामने हो रहा है क्या बारिश? धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ उस तरफ शायद हो रहा होगा, इसलिए यहाँ का वेदर भी ठंडा हो गया ना। बड़ा मस्त हो गया यार। और इस तरफ है बीके भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो गाइस यही था पेट्रोल पंप, और फाइनली आज का सफ़र में निकल चुके हैं। इस तरफ मेरा एक्टिवा रेडी हो चुका है। तो चलिए, मौसम पूरा बारिश जैसा हो रहा है, पहले तो कुछ खाने पड़ेगा। खाने पीने का अच्छा से ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ, इस तरफ ये पेडी फील्स बहुत ज़्यादा भूख लग गया। और अभी टाइम 10 बज चुका है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कल रात को भी भूख लग गया था, लेकिन इवनिंग टाइम में रोटी खाया था, 4 रोटी, फिर ऐसे ही सो गया रात में। इस तरफ देखिए खेतों में पानी नहीं दिया जा रहा है, काफ़ी मस्त नज़र है। अभी हम हैं बिष्णुपुर में, एक रिवर है, रिवर, ये तो नया ब्रिज, वो देखिए पुराना ब्रिज कैसा है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, वह आयरन ब्लैक कलर का जो वो पुराना ब्रिज था भाई, लोग उससे आना जाना करते थे। तो गाइस सुबह सुबह का ऐसा कुछ नज़ारा है बिष्णुपुर एरिया का, और अभी ना हल्का हल्का बारिश देना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जल्दी जल्दी कल जो खाया था होटल में वहाँ पर ही चलता हूँ, बैग को तो थका भी नहीं, जोर से आएगा शायद बारिश, देखते हैं चलिए क्या होता है। और यही रास्ता जाता है लोकटाक लेक की ओर, लेकिन आज सैटरडे है, 10 बज चुका है, दुकान उकान सब कुछ बंद है, पता नहीं सैटरडे को बंद रहता है क्या, पूरा बंद लग रहा है दुकान उकान, देख सकते हो ना लोग भी कम दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस बारिश पूरा दे रहा है, देख सकते हो। और अभी हम लोग
विष्णुपुर में गए थे वहाँ तो पूरा बंद था, तो अभी वापस फिर आने पड़ा है। यहाँ पे एक होटल खुला है तो यहाँ पर अभी कुछ खा लेते हो, चलिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और बारिश हो रहा है ना। मैंने तो अपना जो सामान है वहाँ पे रख दिया, अभी प्लास्टिक इसका ऊपर लगाने पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम विष्णुपुर मणिपुर। और कल आप लोगों ने देखा होगा हम जाने वाले थे लोकटाक लेक घूमने वाले थे, लेकिन कल यहाँ पे बंद दे दिया गया था तो कल जा नहीं पाए और पूरा बारिश देने लगा था। फिर शाम को मतलब दोपहर को हम फिर वापस वही जगह में आ चुके थे, ये जो पेट्रोल पम्प था। कल भी वहाँ पर ही हमने अपना टेंट लगाया। आज फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। पहले जाएंगे लोकटाक लेक को एक्सप्लोर करेंगे। और आज तो संडे है, आज भी शायद थोड़ा सा यहाँ पे संडे को बंद रहता है, तो देखते हो कुछ ना कुछ जुगाड़ करने पड़ेगा। मतलब बंद होने से क्या खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, खाने पीने के मामले में। तो चलिए, कुछ भी नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। अभी चलता हूँ। और इस तरफ कल ठंडा था ना, बारिश दे गया था, उसका वजह से ऊपर का कवर भी लगा लिया था। वहाँ पे बीके भाई का टेंट, यहाँ पे मेरा टेंट, स्कूटी बाइक पूरा रखा हुआ है। ये है पेट्रोल पंप, बीके भाई एडिटिंग में लगा हुआ है। बीके भाई गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई, कैसे? गुड मॉर्निंग, एकदम मस्त। पेट्रोल चाहिए? हाँ लो भरो। तो गाइस फाइनली निकल चुका हूँ आज का सफ़र में। पहले जाने वाले हैं लोकटाक, आप लोगों को दिखाएंगे मणिपुर का सबसे खूबसूरत लेक लोकटाक। और आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए, अभी तक मैंने घर से जब निकला था 1000 किलोमीटर शो हो रहा था, अभी 3000 किलोमीटर शो हो रहा है, मतलब 2000 किलोमीटर मैंने चला लिया स्कूटी। और कितना रुपया का तेल डाला है अभी तक मैं तो भूल गया, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। 2000 किलोमीटर चला लिया और एवरेज 32 पकड़ लीजिए, 32-33 ऐसे देता है, आप लोग कमेंट करके बोलिए। चलिए पहुंचते हैं मेन रास्ते पे विष्णुपुर। तो गाइस पहुंच गया विष्णुपुर। आज संडे है, सोचा था दुकान उकान बंद रहेगा लेकिन दुकान उकान खुला है। एक्चुअली जैसे नागालैंड मिजोरम उस साइड में दुकान बंद रहता है, लेकिन मणिपुर में हमें दुकान खुला देखने को मिला है, ये एक अच्छा बात है। तो गाइस फाइनली होटल में पहुंच चुका हूँ और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और इससे पहले यहाँ पे छोटे छोटे हमें भाई मिले, उनसे मिलाता हूँ। इस तरह भी एक है, क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। ऋषिकेश, वो बहुत भाई प्यारा नाम है आपका। तुम्हारे पापा का नाम उत्तराखंड तो नहीं है? नहीं, मेरे पापा का नाम भवेंद्र शर्मा। अच्छा, ऋषिकेश पता है तुम्हें कहाँ है? कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में किधर है? नहीं मालूम, पता होना चाहिए ना। धन्यवाद। मणिपुरी में क्या बोलते हो धन्यवाद को? क्या बोलते हैं? नहीं पता, तो मार खाएगा तुम्हें। नकली मणिपुरी है तू? नहीं नहीं, की तो नहीं है तू? नहीं, मणिपुरी का धन्यवाद में क्या बोलते हैं क्यों नहीं पता है? नुंगाई जरे। तो गाइस बढ़िया से ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी जा रहा हूँ लोकटाक लेक। हमें जाना है मोइरांग,
जगह का नाम है वहाँ पर, ये लोकटक लेक। नेशनल हाईवे 02 आइजोल 435, यहाँ से भी जा सकते हैं आइजोल। तो गाइस अभी आए थे पेट्रोल भराने के लिए, पेट्रोल डाल लिया हो, 250 का आया था, पहले का ही था तो 250 का आ चुका है। तो गाइस हम लोग जा रहे थे लोकटक लेक और रास्ते में विष्णु मंदिर हमें मिला है, अभी जा रहा हूँ विष्णु मंदिर के अंदर। तो गाइस ये रहा सामने मंदिर, लेकिन अभी कपाट बंद है, देख सकते हो। अंदर खाना वाना खाने का भी सिस्टम होगा, सब लोग आ चुके हैं देख सकते हो। और ये है किचन, किचन वाला एरिया, यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं। मोइरांग यहाँ से और 8 किलोमीटर है, सब लोग यहाँ के घर भी देख सकते हो, कुछ इस तरह से बनाया हुआ घर देखने को मिला है। सामने लिखा हुआ है वेलकम लायंस क्लब ऑफ मोइरांग। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, INA म्यूजियम, मोइरांग बाज़ार और इस तरह भी है चुराचंदपुर देख सकते हो। और यहाँ का लैंग्वेज भी अलग है देख सकते हो आप लोग, जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ का लैंग्वेज थोड़ा अलग है भाई। और ये पहुँच गया हम लोग जगह का नाम क्या था, मोइरांग, मोइरांग पहुँच गया। ऐसा कुछ एरिया सराउंडिंग मोइरांग मणिपुर देख सकते हो। वहाँ पर देखिए बोर्ड रखा हुआ है और लिखा हुआ है आई लव लोकटक। तो गाइस सामने ये रहा लोकटक आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो अभी अंदर जा रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ से बोट वगैरह मिलता है अंदर जाने के लिए। तो गाइस ये है लोकटक का पूरा एरिया देख सकते हो। विलेज रिवर स्ट्रीम सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ भाई। तो गाइस अभी थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, यहाँ से ना यहाँ पे पूरा बोट लगा हुआ है और यहाँ से पूरा अंदर जाते हैं लोग बोट में उठ के, वो सब दिखाते हैं चलिए आप लोगों को। यहाँ पे ये छोटा सा पार्क जैसा भी बना हुआ है और वहाँ पे पूरा बोट वगैरह रखा हुआ है देख सकते हो। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिए आई लव लोकटक, कितना प्यारा दिख रहा है भाई। भाई साहब देख सकते हो ना पूरा काठ लगाया हुआ है ये ब्रिज, और ये पूरा भाई वहाँ पे ना लोग मछली पकड़ रहे हैं, जूम करके दिखा तो रुकिए, वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं ये लोकटक लेक में देख सकते हो। अभी दोपहर का टाइम है, बहुत धूप और गर्मी है। तो ये पूरा नाव वाला सिस्टम है भाई, बोट रखा हुआ है और यहाँ से नाव लेके अंदर बहुत दूर दूर जाते हैं। ये लेक बहुत बड़ा है ना, तो बोट के थ्रू बोट में उतर के जाते हैं अपने गांव, अपने घर ऐसा है। यहाँ से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है गाइस, दिखाते हैं सामने से चलिए। ये बोट है लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी देख सकते हो, ऐसा कुछ है। ये सब देखिए लाइफ जैकेट रखा हुआ है ऐसा। और सामने से दिखाता हूँ वहाँ से लोग अभी शायद
उस तरफ से आए हुए बोट लेके, देखिए तो सराउंडिंग देखिए कुछ दिखाई नहीं देगा, ओनली वाटर और बीच बीच में ये ग्रास वगैरह देखने को मिलेगा अंदर, लेकिन पूरा गांव भी है, गांव फ्लोटिंग पूरा पानी में बहते रहते हैं गाइस, देख सकते हो लोग तो इससे आने जाने करते हैं। काफ़ी मस्त लगेगा भाई यहाँ पे एक्सप्लोर करके। दान है भी काट करो, दान से खाते ना इसको, इसके अंदर निकलता सफ़ेद सफ़ेद, अंदर में सफ़ेद ले, टेस्टी होता है ये। ये तो सूखा मछली है ना, देखो देखो क्या बोलते हैं इसको, कंबोंग कंबोंग कंबोंग, ये खोलो ये हाँ। ये खोल के अच्छा, ये भाई जी हमको बोल रहे हैं कि ये भी टेस्ट करो आप ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल कुछ है, मतलब यहीं पे उगता है ना ये, लोकटाक लेक में, लोकटाक में मिलता है। अच्छा इसका छिलने पड़ता है ना, हाँ ऐसे खोल। अच्छा बस खा ले, और ये अंदर क्या है, कला है, कला है, कला चावल का तरह। अच्छा ये देखो ऐसे खोल के बस, ओके ओके ओ सीधा, अरे वाह कैसा मीठा होता है ये, टेस्ट कैसा है, देखते हैं। नॉर्मल खड़ा है, नॉर्मल है ना। और ये पूरा मार्केट, ये क्या है, ये तो लोटस का है, लोटस का, अच्छा पत्ता है ना पत्ता, और वो तो वो है थारी बोलते हैं, लोटस का ही है ना वो भी, इसी को पत्ता। अच्छा अच्छा ओके, चलो तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं, ये क्या नाम था सर इनका, कंबोंग 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 टेस्ट करते हैं, लोग बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू थैंक यू। अब लोग मणिपुरी में थैंक यू को क्या बोलते हैं, 9000 9000 ओके 9000 तो गाइस अभी ना सर लोगों ने हमें यहाँ पे बादाम और ये सिंगरा दिया है, ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, ओके थैंक यू, ओके बाय बाय। ये दुकान है आंटी का। तो गाइस आप लोगों ने देखा है बहुत ही अच्छा तरह से हमें ट्रीट किया है मणिपुरी कमांडो पुलिस ने, और अभी हम लोग है सेंड्रा लोकटाक लेक के अंदर है, मतलब ये रास्ता है जरा आगे की तरफ, देखता हूँ क्या कुछ देखने को मिलता है, चलिए। और काफ़ी बढ़िया लगा सर लोगों से मिलके, और इसे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम लोग तो आसाम इसमें इसे बोलते हैं राजहा, छोटा सा रास्ता है, इस तरफ घर है लेकिन घर के उस पार लोकटाक लेके, ये पूरा एरिया लोकटाक लेक का अंदर ही आता है। और आप सभी को दिल से धन्यवाद इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अभी बिकी भाई नीचे घुस गया था भाई, यहाँ घुस गया था, आज भी गिरने वाला था क्या भाई साहब, ऐसा कुछ घर है देख सकते हो, तो कुछ लगा हुआ था पीला पीला, ये सामने देखिए ये पेड़ में ना कुछ लगा हुआ है पीला पीला, शायद खाते होंगे यहाँ के लोग। सामने पहाड़ देखने को मिला है पहाड़, तो कैसे इस तरफ देखिए ये पूरा लोकटाक लेक दिखाई दे रहा है, यहाँ से लोग ना पूरा मछली पकड़ने में बिजी है ज़्यादातर लोग, ये स्कूटी एक्टिवा दिखाई दे रहा है ना, लोग यहाँ पे लेके आते हैं और पूरा बैठ के मछली पकड़ते रहते हैं।
भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो छट्टा लेके बैठा हुआ है मछली पकड़ने के लिए। दिखाता हूँ, देख सकते हो ये पूरा लोकटक लेक। वैसे आप मानने पड़ेगा लेकिन इतना गर्मी में भी पूरा मछली पकड़ रहे चट्टा ले लेके। तो गाइस अभी हम आए हैं लोकटक लेक के अंदर, एक गांव है विलेज गांव घूमने के लिए आए हैं। देख सकते हैं आप लोग इस तरह का घर देखने को मिला है, और अभी अंदर जा रहा हूँ, अंदर बढ़िया से दिखाएंगे। चलिए अभी तो स्कूटी चला रहा हूँ ना, इस तरफ तो पूरा पहाड़ है और नीचे पूरा घर, उस तरफ पूरा लोकटक लेक, पूरा लोकटक लेक के सामने गांव है ये। गाँव का नाम क्या था? इटिंग। इटिंग। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? पुंजीबा। पुंजीबा। अच्छा, सब लोग दोस्त है तुम लोग ना? हाँ। तो चलिए गाइस अभी हम लोग इटिंगा गांव में, इटिंगा दिखाते हैं गांव। चलिए देखिए पूरा टीना का ही घर है ज़्यादातर, अंदर चलते। अभी गांव के अंदर आ चुके हैं, और पीछे एक भैया मिले थे, फिर रुका के बोला कहाँ पे आ रहा है, क्या करने आया। तो उनको एक्चुअली हिंदी इंग्लिश पता नहीं था, फिर और एक भाई आया, फिर हमने बोला आपका गांव घूमने आया, तो कुछ नहीं बोला। चलिए जितना अंदर जा सकते देख के आते हैं। एक तो मैं अपना स्कूटी चलाऊँ या वीडियो बनाऊँ, कभी कभी डर ही लग जाता है भाई। काफ़ी अंदर आ चुके हैं अभी हम लोग गांव के, देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ। अभी आगे और जा रहा हूँ, एक गांव है हसनाम, ऐसे ही कुछ नाम है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और ज़्यादातर घर तो मतलब जो बेरा होता है ना कवर किया हुआ, वो मिट्टी से बनाया हुआ होता है। ये सामने देखिए घर, मैं जो बोल रहा था मिट्टी से बनाते हैं, ये कितना प्यारा दिख रहा है गाइस, काफ़ी मस्त। और ये अंदर रास्ता तो बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन सराउंडिंग जैसे घर का उस तरफ ना पूरा लेक है, लेकिन साइड से रास्ता बना हुआ है। हम लोग भी पूरा गांव देख के आगे जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ है, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है अभी, ये जगह में धूप कम गिर रहा है ना। ये घर देखिए गाइस, पूरा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे NGA नगारम विलेज 3 लिखा हुआ है, किलोमीटर टोंगब्रम कोइरोम लिखा हुआ है। यहाँ से भी एक रास्ता है, यहाँ से भी एक रास्ता है।
देखो पूरा पत्थर पहाड़ है। वेलकम लोकटाक फ्लोटिंग होमस्टे, और यहाँ से व्यू देखिएगा इस नीचे, ये पूरा लोकटाक लेक का व्यू है, और नीचे ये घर भी बना हुआ है, कितने सारा घर है देखिए, साइड में बहुत सारा घर है। कुंजम विलेज 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से तो रास्ता बंद है, वहाँ से जाना है हमें। मालूम है, लेकिन अभी ना हमारे यहाँ खराब है, लेकिन आप लोग जाएगा तो अंदर बहुत खतरा होगा ना, इसलिए आप लोग अंदर, मतलब आप लोग तो लग रहा है, आप लोग तो मणिपुरी है ना? मणिपुरी है हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ अंदर ना कल जाकर थोड़ा हंगामा हो गया, इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ा लंबी लग रहे हैं ना, इसलिए अंदर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि आप लोग मुसीबत पहुँचा नहीं देना चाहते अंदर। काफी लोग भी रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं रहते, कई लोगों का आपस में हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अंदर जाने में मना कर रहा है सब लोग ना, हमारा मैतई लोग अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो हमारा मैतई आदमी लोग ना अंदर नहीं जाने देता है आज को ना, आज स्पेशल आज है क्या? हाँ आज के, कल जा सकते हैं? कल तो मालूम नहीं, कल तो यहाँ कोई और आएगा, हम लोग तो आते हैं कल, आपका रुक लगाओगे बाहर के लोगों को भी जानते हैं, अंदर का भी बाहर का कोई नहीं जाने दे रहा है, यहाँ का लोग तो जाने देता है, हाँ हाँ बाहर यहाँ तो नहीं है, वहाँ मोइरांग से आया नाम, इधर किसी ने बताया तो इधर पहले तो यहाँ अंदर जाने देता है, लेकिन आज तो नहीं दे रहा है आप लोग के लिए भलाई। अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। पानी मिलेगा पीने का? अच्छा चलो ठीक। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अंदर गांव, लेकिन यहाँ के जो लेडीज है वो लोग पूरा क्या बोलते रुका दिया हम लोगों को, बोला कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, और कोई अनजान, मतलब हम लोग तो बाहर से आया ना, और अगर कुछ होगा तो कौन रिस्क लेगा, तो बाहर लोगों को एंट्री नॉट अलाउड, तो कोई नहीं अभी घूम के जा रहा हूँ। और ये जो एरिया है ना, ये भी पूरा फ्लोटिंग वाला एरिया है लोकटाक का, मैं मैप में आ रहा है, मैप में देखा हुआ, अभी मैं आपको स्क्रीन शॉट लगा दूँगा, चलिए देख लीजिए आप लोग। काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन चलिए अभी आगे चलते रहता हूँ मोइरांग की तरफ। एक्चुअली गाइस अभी हाल ही फिलहाल में मोइरांग में मतलब हमला हुआ है, तो उसका वजह से पूरा अभी गांव वाले भी पूरा होशियार हो गया है, सिक्योरिटी पूरा टाइट बोल सकते हो। भाई साहब मछली इतना ज़्यादा है ना, पानी थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है, लेकिन कैमरा में विजिबल नहीं होगा, मैं अपने आंखों से दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मछली है यहाँ पे, इसलिए लोग पूरा मछली पकड़ने के लिए बैठा हुआ रहता है, और यही है लोकटाक लेक, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और अभी हम लोग बाहर निकल के आ चुके हैं, हम लोग गए थे ठंगा विलेज में हमें तो एंट्री नहीं मिला, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए अगर यहाँ पर स्टे नहीं मिला तो हमें शायद इम्फाल जाने पड़ेगा, इम्फाल में एक भाई है।
तो गाइस अभी शाम का 4 बजने वाला है और मोइरंग में रहने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं इम्फाल यहाँ से और 40 किलोमीटर है। इम्फाल में एक भाई है, ब्रदर है, आज उनके वहाँ पर ही रुकेंगे। तो गाइस शाम का अभी 5 बजने वाला है और 15 मिनट बाकी है। वेलकम टू इम्फाल, फाइनली इम्फाल पहुंच गया हो। लगभग 1 साल होने वाला है, पिछले साल दिसंबर को आया था इम्फाल। तो गाइस अभी रात का 8:30 बज चुका है और फाइनली हम पहुंच गए हैं इम्फाल में। और पहले मैं मिलाना चाहता हूँ इस तरफ जो बड़े भाई है, भैया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पिछले साल भी आया था, भैया से मिला था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इस टाइम भी आया इम्फाल तो भाई से मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी भैया के घर में आया हूँ और बहुत बढ़िया खातिरदारी की कर रहा है हमारा, अच्छा लगा। और कैसे है आप, खबर बोलिए। हम क्या बोलेगा, हम तो हिंदी भी उतना अच्छा नहीं, अच्छा से बोल नहीं सकते। हाँ, जो भी बोलिए, क्योंकि टिकलू भाई और ये हमारा दोस्त है ना, हाँ, आने से हमको खुश हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। करीब 1 साल होने वाला है ना, 1 साल बाद मिल रहे हो। और एक्चुअली एक वाटी आएगा तो आपके पास आएगा, जरूर जरूर दिल्ली आएगा, इसके पास में आएगा जरूर। और एक्चुअली फोन में तो बातें होते रहते हैं, मेरा सेटअप भी देखते रहता है भाई, तो पूरा घूमते रहता है, क्या क्या बनाते रहते हैं, सब कुछ देखते रहता हूं। मेरा भी YouTube चैनल है। अच्छा, फिर भी हम टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए हम एडिटिंग भी थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। और कल हम लोग घूमेंगे इम्फाल। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय हम, बाय बाय बाय।